बल्किंग के बाद जब हम श्रेडिंग फेज में जाते हैं, यानी हम शेप अप शुरू करते हैं करना, फैट को श्रेड करते हैं, उस टाइम के लिए डंबल किक बैक बेस्ट एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे गुरुजी सही भी हैं और नहीं भी हैं। आओ समझाता हूँ। गुरुजी का एम है कि कंपटीशन प्रेप के एंड फेज में अपने एथलीट्स का पीक कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग करना, और डंबल ट्राइसेप किक बैक में एक्सटेंडेड पोजीशन पे आपके ट्राइसेप पे सबसे ज्यादा लोड आता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है। बट अगर हम बात करें मसल बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से, तो डंबल ट्राइसेप किक बैक्स बायोमैकेनिकली इनकरेक्ट एक्सरसाइज है। डंबल ट्राइसेप किक बैक के फर्स्ट हाफ में आपका बाइसेप्स यूज होता है और आपके ट्राइसेप पे सबसे कम टेंशन होता है, और इस एक्सरसाइज के पूरे रेंज ऑफ मोशन में आपके ट्राइसेप पे प्रॉपर टेंशन जनरेट नहीं होता है। सो आपको हमेशा बेटर ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है, लाइक ट्राइसेप केबल किकबैक्स या फिर सिंगल आर्म ट्राइसेप पुश डाउन्स। और आपको कभी भी बॉडी बिल्डर्स के वर्कआउट या फिर टेक्निक को कॉपी नहीं करना है। बट अगर आपको और भी ऐसी अच्छी वीडियोस देखनी है, तो मेरे अकाउंट को फॉलो जरूर करना है।